सो गाइस बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली पहुंच चुके हैं दुबई यूएई, और आप सभी को पता है कि आईपीएल 2021 हमें यूएई में देखने को मिलेगा। अभी देखो फ्रेंचाइज कब वहां पे जाएगी, प्लेयर्स कब वहां पे जाएंगे, इसके रिगार्डिंग बहुत बड़ा अपडेट आया है। एंड ये बात तो अब कंफर्म हो ही चुका है कि आईपीएल 2021 के रिमेनिंग मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। बीसीसीआई दुबई में एक टेम्पररी ऑफिस भी क्रिएट कर रहा है, उसके बारे में भी आपको ये इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स के लिए। सो गाइस बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली अभी ओमान में थे T20 वर्ल्ड कप के लिए, वहाँ पर कुछ मीटिंग चल रहा था। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद सौरभ गांगुली अभी आ चुके हैं यहाँ पे यूनाइटेड अरब इमिरेट्स यानी कि यूएई दुबई में पहुँच चुके हैं। 2021 का लेग हमें यूएई में देखने को मिलेगा, ये थोड़े टाइम पहले जय शाह ने कन्फर्म कर दिया था। इसके अलावा गाइज ओवरसीज प्लेयर्स को लेकर प्रॉब्लम है, ये भी हम सभी को पता है। इसके अलावा गाइज लास्ट वीडियो मैंने आप सभी को बताया था कि फ्लाइट बैन लगाए इंडियंस के ऊपर, जो कि ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता दूं उसको अभी एक्सटेंड कर दिया गया है और 21 जुलाई तक ये होने वाला है, यानी कि फ़्लाइट बैन 21 जुलाई तक होने वाला है, यानी कि कोई भी इंडियन यूएई नहीं जा सकता है। अभी आप सोचो कि सौरभ गांगुली कैसे चले गए, तो अगर आपके पास गोल्डन वीज़ा वगैरह है तो फिर आप जा सकते हो, मतलब ऐसा नॉर्मल कोई नहीं जा सकता है। तो प्लेयर्स वगैरह के लिए अभी पॉसिबल नहीं है, गांगुली के पास गोल्डन वीज़ा होगा जिसके कारण वो इस सिचुएशन में भी वहाँ पे जा सकते हैं, तो इसके कारण फ्रेंचाइज वगैरह नहीं जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फ्रेंचाइज के लिए। एंड मैं आपको बता दूं कि खलीज टाइम्स यूएई में आप कह सकते हो एक न्यूज अब चैनल है वगैरह कह सकते हो इस टाइप का, तो उधर से पता ये लग रहा है कि ये जो 21 जुलाई तक का बैन है इसको एक्सटेंड करके 31 जुलाई तक किया जा सकता है इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के लोगों के लिए। तो इससे जो प्रॉब्लम है फ्रेंचाइज का वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ये प्रॉब्लम क्यों बढ़ जाएगा मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज देखो फ्रेंचाइज वगैरह को वहाँ पे जाके बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, लाइक होटल्स वगैरह लेना पड़ता है, तो उसके लिए टाइम चाहिए होगा। अभी बीसीसीआई को भी एक टेम्पररी ऑफिस क्रिएट करना है जो कि हो जाएगा, बीसीसीआई को उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अभी फ्रेंचाइज वहाँ पे नहीं जा पाएगा बिकॉज उनके पास गोल्डन वीज़ा नहीं है। 31 जुलाई तक अगर नहीं जा पाता है फिर तो बहुत लेट हो जाएगा, सिर्फ एक ही महीना बचेगा अगस्त का सब कुछ करने के लिए, उसके बाद तो फिर सेप्टेम्बर से मिड से स्टार्ट हो ही जाना है, तो उधर ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसके कारण जो फ्रेंचाइज है वो बीसीसीआई से कह रहा है कि आप जल्दी से जल्दी कुछ करो। अगर मतलब इंक्रीज़ हो गया ना 21 से 31 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया बैन को, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। आई होप कि 21 जुलाई तक फाइनल रहे, उसके बाद मतलब एक्सटेंड ना किया जाए। थर्ड वेव आने में भी थोड़ा बहुत टाइम है, तब तक जो भी फ्रेंचाइज प्लेयर्स वगैरह है, मतलब प्लेयर्स तो नहीं, मतलब फ्रेंचाइज जो भी है वो यूएई चले जाए, और अगर एक बार फ्रेंचाइज चला गया तो फिर यूएई में जो प्लेयर्स हैं उनको आने में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। सभी प्लेयर्स जैसे ही आईपीएल पास आएगा वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस अभी के लिए यही खबर निकल के आ रही है कि सौरभ गांगुली यहाँ पे दुबई पहुँच चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी है जैसा वो भी सैटरडे को यहाँ पे चले जाएंगे, और फिर यहाँ पे एक मीटिंग किया जाएगा बीसीसीआई का जहाँ से हमें बहुत कुछ पता लगने वाला है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, सैटरडे तो भाई आज ही है शायद, तो आज ही शायद वो चले जाएंगे, लेट्स सी, या फिर नेक्स्ट सैटरडे को। अभी तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया, मेरे हिसाब से तो शायद आज ही का है। लेट्स सी क्या होता है, मैं आपको बता दूंगा अगर मीटिंग होता है कोई अपडेट आता है तो। अभी के लिए छोड़ो बस इतना ही, तो अभी के लिए बस इतना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जो कमेंट्स में लेकर बताइए कैसे लगे आप पूछ लेगी, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगली वीडियो बना सकूं नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगले वीडियो के लिए वेट करना है।